बेंगलुरु के मशहूर आलम दीन मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल रशादी तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी हो गए, जबकि इस हादसे में मौलाना के एक रफीक जबीउल्लाह मौके पर ही जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मौलाना मुजम्मिल रशादी महाराष्ट्र के परभनी में जलसे से खिताब के बाद वहां से तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद जा रहे थे कि कामारेड्डी जिले में रॉयल ढाबा के करीब तकरीबन 4 बजे शब एक DCM वैन उनकी कार के सामने आ गई, जिसके नतीजे में उनकी कार चलाने वाले ने इसका तवाजन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे की इतला पर मुकामी नौजवानों और मुकामी जमीतुल उलमा के जिम्मेदारों ने वहां पहुंचकर राहत काम शुरू किया और तमाम को काफी कोशिशों से कार से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में मौलाना के एक रफीक हज़बीउल्लाह मौके पर ही जान बहक हो गए। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु रवाना किया गया, जबकि कार में सवार उनके दीगर साथियों का कामारेड्डी के एरिया अस्पताल में इब्तदाई इलाज किया गया और उनको बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस में हैदराबाद भेज दिया गया। देवनपल्ली पुलिस इतला पर वहां पहुंची, जिसने जब्ते की कार्रवाई की। मौलाना रशादी को बेहतर इलाज के लिए शहर हैदराबाद के ऑलिव अस्पताल लाया गया। वो ICU में है। उनके सर और जिस्म पर शदीद जख्म आए हैं।